हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे आज हम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि आपके डीपीएससी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में। यह आपका जो पूरा मतलब सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, एंड थ्योरी जो है इसमें 75 मार्क्स की है, एंड प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का है। चलिए सीधा बढ़ते हैं फिर हम कोर्स कॉन्टेंट पे। तो क्या क्या है इसमें देखते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी डेवलपिंग डिजाइनिंग आ कंटेक्सचुलाइज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट करिकुलम, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। तो इसमें पहले आपको देखेंगे, आप देखोगे तो एज एंड कंटेक्स्ट अप्रोप्रिएट प्रोग्राम आपको देखना है। एज और कंटेक्स्ट के अप्रोप्रिएट मतलब सही हो वो वाला प्रोग्राम, और उसके क्या क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, साथ साथ क्या नीड है उस चीज़ को बैलेंस करने की, जैसे कि बैलेंस्ड करिकुलम। Then if we will talk about the next point, it is preschool curriculum. तो प्री स्कूल करिकुलम और उसमें क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं और असेसमेंट। देन आइडेंटिफाइंग थीम बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस कंटेक्स, यानी आपको थीम्स देखनी है बच्चों से रिलेटेड, क्या क्या आप थीम्स लोगे एक प्री स्कूल में। देन प्लानिंग एन एनुअल प्लान, मंथली प्लान और वीकली प्लान एंड डेली स्केड्यूल। देन प्लानिंग फॉर पेरेंट्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी आपको पेरेंट्स की ओरिएंटेशन करनी है। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वन। नाउ वी विल मूव टू यूनिट टू। यूनिट टू आपकी 15 मार्क्स की है। डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग आउटडोर एंड इंडोर स्पेस, अरेंजिंग द इंडोर क्लासरूम स्पेस। उसमें आपको देखना है कि इंडोर क्लासरूम को कैसे आप अरेंज करोगे, लाइक उसमें आप लाइट, एक्टिविटी कॉर्नर्स, वेंटिलेशन वगैरह कैसे सब कुछ देखना है। देन आपको एक्टिविटी कॉर्नर्स को अरेंज करना है, जैसे कि बुक रीडिंग कॉर्नर, ब्लॉक्स, टॉय कॉर्नर वगैरह। देन आपको देखना है डिस्प्ले का, थीमेटिक मटेरियल का कैसे डिस्प्ले करोगे, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करोगे, आउटडोर स्पेस कैसे क्रिएट करोगे, कैसे डिजाइन करोगे। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट टू एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। नाउ इफ विल टॉक अबाउट यूनिट थ्री। तो यूनिट थ्री है आपकी मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट फॉर अ सेंटर, क्या क्या मटीरियल और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं एक सेंटर के लिए, ये आपकी 15 मार्क्स की है। तो पहला जो इसमें यूनिट का पॉइंटर है वो है कि एज और कंटेक्सचुअली अप्रोप्रिएट मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या कॉन्सिडरेशंस हैं, देन कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं क्लासरूम के लिए, आउटडोर इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। देन यूनिट फोर की तरफ बढ़े। तो यूनिट फोर है मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स, कौन कौन से मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड सेटिंग में, लाइक उसका क्या नेचर होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, एडमिशन फॉर्म, बैकग्राउंड फॉर्म, टीचर अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं आप एक बार देख सकते हो इनके आपको इंपॉर्टेंस वगैरह, और इनका फॉर्मेट, इनका जो भी आता है वो सब आपको एग्जाम में आ सकता है। देन यूनिट फाइव की बात करें तो क्रिएटिंग अ सेफ एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रेन, ये आपकी यूनिट फाइव है, 15 मार्क्स की है। तो इसमें पहले आपको देखना है प्री स्कूल टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक गुड टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देन डेमोक्रेटिव, अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन टीचर में क्या डिफरेंस है, क्या होती हैं, फिर टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी बच्चों की आप रखोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। तो ये थी आपकी यूनिट्स। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल आपके 25 मार्क्स का है। मे बी इसमें से आपको कोई टीचर आपको प्रैक्टिकल दे दे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। आई होप आपको इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।